गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द्रवों के दाब परिवर्तन से एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में जैसा कि हमने देखा था, अकॉर्डिंग टू समीकरण 78 की प्रत्येक अवस्था के द्रव्य, यानी कि चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो, सभी के लिए ये समीकरण जो 63 है और जो समीकरण 78 है, ये समान रूप से उपयोग में ली जा सकती है। तो समीकरण 78 क्या थी, ds बराबर CP/T गुणा dT माइनस ∂V/∂T एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर गुणा dP। यानी कि ये समीकरण जो है वो एंट्रोपी की दाब पर निर्भरता को दर्शाती है, जबकि जो समीकरण 63 वो आपके एंट्रोपी की आयतन पर निर्भरता को दर्शाती थी। ठीक है, अब जो है यहाँ पर चूंकि हमने टेम्परेचर को क्या माना है, कांस्टेंट, यानी कि dT बराबर क्या है, जीरो, अतः हम कह सकते हैं कि ds बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ∂V/∂T एट द कांस्टेंट प्रेशर गुणा dP। ठीक है, यानी कि पहले वाला पद जो है वो आपके यहाँ पर जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पर dT क्या है, जीरो। तो समीकरण में जो ∂V/∂T एट द कांस्टेंट प्रेशर, ये स्थिर दाब पर कहलाता है प्रसार गुणांक। यानी कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ∂V/∂T एट द कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रति डिग्री ताप बढ़ाने पर आयतन में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, अब ये ठोस और द्रवों के लिए इसका मान क्या है, बहुत कम होता है, क्योंकि ठोसों और द्रवों की संपीड्यता क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि ठोसों और द्रवों के बीच में जो आपके इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि अंतरणविक आकर्षण बल बहुत मजबूत होते हैं। तो ठोसों के लिए प्रसार गुणांक जो है इसका मान 10^-4 पर केल्विन की कोटि का, और द्रवों के लिए इसका मान 10^-4 से 10^-3 पर केल्विन की कोटि का होता है। अतः ठोस और द्रवों के लिए इसके मान को हम प्रसार गुणांक के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं। अब माना कि द्रव पर दाब P1 से बढ़ाकर P2 किया जाता है, तो एंट्रोपी में जो चेंज होगा उसे हम निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं, यानी कि ∆S बराबर माइनस ∂V/∂T एट द कांस्टेंट प्रेशर, जिसे यहाँ पर क्यों कांस्टेंट मान लिया, इंटीग्रेट करेंगे P1 से P2 dP, यानी कि ∆S बराबर क्या हो गया, माइनस ∂V/∂T एट द कांस्टेंट प्रेशर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्रेशर के ऊपर, यानी कि P2 - P1, यानी कि ∆S बराबर आ गया आपके माइनस ∂V/∂T एट द कांस्टेंट प्रेशर गुणा ∆P ठोस और द्रवों के लिए। अब हम देख रहे हैं कि द्रवों के लिए ∆V/∂T एट द कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रसार गुणांक की कोटि 10^-3 पर केल्विन है। अतः समीकरण 70 से क्या स्पष्ट है कि ∆S में 1 जूल पर केल्विन कमी के लिए दाब को लगभग 1000 वायुमंडल बढ़ाना होगा, यानी कि दाब के साथ द्रवों की एंट्रोपी में परिवर्तन बहुत कम है, यानी कि इस परिवर्तन को हम नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। अब है आपके एंट्रोपी की ताप पर निर्भरता, यानी कि एंट्रोपी की ताप पर निर्भरता को हम एंट्रोपी की परिभाषा से ही व्यक्त कर सकते हैं। माना कि कोई जो सिस्टम है वो टेम्परेचर और दूसरे वेरिएबल वॉल्यूम एंड प्रेशर का फंक्शन है। ठीक है, यानी कि उत्क्रमणीय रूपांतरण में तंत्र की जो ऊष्माधारिता है उसे हम किस प्रकार से बता सकते हैं कि CV जो कि क्या है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता बराबर स्थिर आयतन पर तंत्र के द्वारा अवशोषित ऊष्मा अपॉन dT, और जो है आपके स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता क्या है, स्थिर दाब पर तंत्र के द्वारा उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित ऊष्मा अपॉन dT। तो यहाँ पर dQ रिवर्सिबल एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड dQ रिवर्सिबल एट द कांस्टेंट प्रेशर क्या है, स्थिर आयतन और स्थिर दाब पर उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित ऊष्मा के मान हैं। यानी कि समीकरण 34 क्या थी आपके, dS बराबर dQ रिवर्सिबल अपॉन t। तो समीकरण 34 और 83 की अगर हम तुलना करें तो dS बराबर क्या हो जाएगा, CV अपॉन t गुणा dT, या हम बोले ∆S/∆T एट द कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर CV/T। यानी कि dS बराबर क्या हो जाएगा, CP
अपॉन टी गुना डी टी, या हम बोले डेल एस अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर बराबर सी पी अपॉन टी। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये आपके डिफरेंशियल है डेल एस अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड डेल एस अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर के मान, ये संबंधित उष्माधारिता के मानों को ताप से भाग देकर प्राप्त किए जा सकते हैं। अब समीकरण जो 84 और 85 है उनके द्वारा उष्माधारिता की हम परिभाषा भी दे सकते हैं, यानी कि सी बी बराबर क्या हो गया टी गुणा डेल एस अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और सी पी हो गया यहाँ पे आपके टेम्परेचर गुणा डेल एस अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये दोनों ही जो समीकरण है वो एंट्रोपी की टेम्परेचर पर डिपेंडेंस को शो कर रहे हैं। अब है आपके स्थिर आयतन पर ताप के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन। तो समीकरण 84 के अनुसार डेल एस अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बराबर क्या है सी वी अपॉन टी। अब टेम्परेचर को बढ़ाकर टी वन से अगर टी टू कर दिया जाए तो एंट्रोपी में क्या चेंज होगा डेल्टा एस बराबर इंटीग्रेट करेंगे टी वन से टी टू सी वी अपॉन टी गुणा डी टी। अब हम ये मानते हैं कि ये जो टेम्परेचर रेंज है टी वन से टी टू की, इसमें सी वी ताप पर निर्भर नहीं करता, तब डेल्टा एस का मान क्या हो जाएगा सी वी, यानी कि सी वी को कांस्टेंट मान लिया गया है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है इस टेम्परेचर रेंज में, तो इंटीग्रेट करेंगे टी वन से टी टू डी टी अपॉन टी को, यानी कि सी वी एल एन टी टू बाई टी वन, या डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा 2.303 सी वी लॉग टी टू बाई टी वन। यदि पदार्थ के एन मोल हो तो एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा डेल्टा एस बराबर 2.303 एन सी वी लॉग टी टू बाई टी वन। तो इसी प्रकार स्थिर दाब पर भी ताप के साथ एंट्रोपी में क्या चेंज होगा, स्थिर दाब पर आपके चेंज होगा डेल्टा एस बराबर 2.303 एन सी पी लॉग टी टू बाई टी वन, जहाँ पर सी पी क्या है स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता। ओके।